एजेस की तरफ वो नहीं गए, वो सीधा वेस्टर्न एज की तरफ चले गए जहां पर उन्होंने अपना पहला खिलाड़ी गवाया, स्लग वो भी डाउन कर दिए गए और अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट बसती है दो खिलाड़ियों के साथ। दूसरे दिशा में मोगो वर्सेस एडबेट, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है पर अब K9 उनको ये फाइट जीतने की जरूरत है। एक और खिलाड़ी सामने मौजूद रहे गजब, उन्होंने बाबी को डाउन करा पर एम्बॉट वो भी डाउन कर दिए गए। निंजा बॉय एक बार फिर से उन्होंने अपनी टीम की कमान संभाली। K9 उनके तीन खिलाड़ी डाउन पड़े हुए दिखाई देंगे। निंजा बॉय उनको वो फिनिशर्स निकालने की जरूरत है। बिलीव वर्सेस निंजा बॉय की ये फाइट, क्या वो क्लच कर सकता है? जी हाँ, वो खिलाड़ी अपनी टीम के लिए वो चार फिनिशर्स लेकर गया और एक बार फिर से उन्होंने ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की उम्मीद को अभी भी जगाए रखा। सबके बीच में टीम क्रो यतिन उनके स्टार खिलाड़ी वो डाउन करेंगे पर वो गोकुल उन्होंने बैक टू बैक दो नॉक्स निकाल दिए। टीम लिम्ब्रा लग रहा था कि शायद ये फाइट वो हार जाएंगे पर ऐसा हुआ नहीं और ब्लिस अब उनके लिए दिक्कतें थोड़ी ज्यादा और साथ ही साथ हेस्परोस को अभी भी रिवाइवल मिल सकता है। ब्लिस के टर्बो यहाँ पर मौजूद जरूर रहने वाले हैं। वो 2-2 का स्पेल थोड़ा मुश्किल बन गया, वो खिलाड़ी हवे में था और हवे में ही उनको डाउन किया गया। टर्बो उन्होंने क्या बेहतरीन टर्बुलेंस लेकर के आई है वो टीम लिम्ब्रा के खेमे में, दो प्लेयर्स को डाउन किया और हमने चर्चाएं की है कि ये प्रो सीरीज चल रही है यहाँ पे आप हल्के में तो किसी को नहीं आ सकते। पहले टीम एक्स पास ने वेनम को हल्के में आका और अभी के लिए टीम लिम्ब्रा ने टर्बो को और दोनों ने ही बेहतरीन जवाबी कार्रवाई की है। वहां पर एक और प्लेयर को स्पॉट किया गया, टर्बो ने एक और नॉक निकाला है। अगर वो एक फिनिश को भी कंफर्म करते वो एक 1v4 करके जाएंगे टीम लिम्ब्रा को। एक ग्रेनेड जरूर पिन किया है वेनम ने और अगर वो सही जगह पे जाता है मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी हाँ, वो ग्रेनेड आगे जाएगा, शैडो को डाउन किया गया। स्पे गॉड की बात करें वो भी डाउन किए जाएंगे और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं वेनम, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो टीम एक पार्क के इस रथ को रोक सकते हैं। सबसे पहले वो जो नॉक प्लेयर है उनको फिनिश करने की वो जो कोशिश है वो जरूर की जा रही है। चलिए डैगर से फिनिश करने का अभी तो समय है नहीं बट वेनम उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पलटवार करके दिखाया और टीम एक पार्क को समझाया है। पर वेनम एडवांटेज अभी भी उस खिलाड़ी के पास बहुत ज्यादा बढ़िया और वेनम उन्होंने 1v4 करके दिखाया टीम एक्सपर्ट उनका एलिमिनेशन और डैगर का बदला 1v4 से। और इसी के साथ आइजन ने सौरभ को भी खत्म किया। इनक्रेडिबल प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है बट पीछे तो देखिए फ्लाइट का वो प्लेयर पीछे देख नहीं पाया और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास गया एक और फ्लैग और इसी के साथ गुजरात टाइगर्स मुश्किलें उनकी भी बढ़ती हुई। पर हर्ष वो जा चुके हैं हील बैटल के लिए, अभी भी 5 टीम मौजूद है और 6 खिलाड़ी मात्र है, यानी कि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को अगर हटा दिया जाए तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। पर निंजा बॉय वो खिलाड़ी इस तरीके से तो रुक नहीं सकता, उड़ता हुआ खिलाड़ी आया आदि ग्रेनेड के साथ उनका एलिमिनेशन और 4M वो भी मात्र 3 फिनिशेस इस मुकाबले से निकाल पाए, इन टोटल 3 अंक वो निकाल पाए। वेक्सी रेडन एक ग्रेनेड के साथ और वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। डेल्टा पीजी वो डाउन किए गए। डेस्ट्रो एक बार फिर से वो बचा हुआ अकेला खिलाड़ी, पर आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने लगभग अपना काम कर दिया क्योंकि 5 फिनिशेस मोगो के खाते में। जी हाँ, वो जो हम एवरेज पॉइंट्स की बात करते हैं वो जरूर निकाले गए और डेस्ट्रो का ही वो ग्रेनेड था जिन्होंने डेल्टा पीजी को फिनिश कर दिया। अब डेस्ट्रो बचते एकमात्र खिलाड़ी रेडन, अब उनको पता है कि वो पुरुषनी का है सौमराज, उनको टेक डाउन किया जाएगा और वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। एक और प्लेयर को डाउन करेंगे डेस्ट्रो टीम, VXT वो आखिर कर क्या रहे? एक और प्लेयर उनके सामने मौजूद डेस्ट्रो, he did it again, वो एक 1v3 करके जाएंगे टीम VXT को। This is IQBMPS 2024 round 2. It already feels like the grand finals.